अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो चलिए इसी के साथ हम वीडियो का स्टार्ट लेते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको UML एक्टिविटी डायग्राम के बारे में बताऊंगी कि UML एक्टिविटी डायग्राम क्या होती है, उसका पर्पस क्या होता है, उसके डिफरेंट नोटेशंस के बारे में बताऊंगी, डिफरेंट एग्जांपल्स, ताकि आपको अच्छी तरह समझ आ जाए जब भी आप UML एक्टिविटी डायग्राम बनाने पड़ी। तो चलिए इससे पहले मैं आपको प्रोसेस के बारे में बताऊँगी कि एक प्रोसेस क्या होता है। अगर हम एक प्रोसेस की बात करें तो कोई भी अगर आप सेट ऑफ़ इनपुट्स देते हैं, उसकी सर्टेन सेट ऑफ आउटपुट्स आते हैं, इन सब की पूरी कलेक्शन को हम कोई भी जो भी होगा उसको हम प्रोसेस कहते हैं, ठीक है। तो ये होता है हमारे पास प्रोसेस। अगर हम एक प्रोसेस की बात करें तो उसको डिज़ाइन करने के लिए डिफरेंट हमारे पास नोटेशंस होती हैं, और उसको पूरे ओवरऑल प्रोसेस को हम एक डिज़ाइन प्रोसेस भी कहते हैं, ठीक है। और यही इस प्रोसेस को अगर मैं UML के लिहाज से बात करूं तो एक प्रोसेस को डिफ़ाइन करने के लिए हमारे पास UML ने एक्टिविटी डायग्राम दी है। तो मैं अब आपको एक्टिविटी डायग्राम के बारे में बताती हूँ। एक्टिविटी डायग्राम बेसिकली जो है एक एक्टिविटी शो करती है, किस तरह से जो भी उसमें एक्शंस परफॉर्म होते हैं उसको डिकम्पोज कर देती है एक फ्लो के अंदर। जो भी उसका डिफरेंट एक्टिविटी यानी डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स की अगर हम बात करें तो जो भी उनके दरमियान में कम्युनिकेशन हो रहा होता है, जो भी प्रोसेस हो रहा होता है उसको, या डाटा ट्रांसफ़र भी हो रहा होता है उसको, जो है डिस्प्ले करने के लिए हम एक्टिविटी डायग्राम यूज़ करते हैं, ठीक है। अगर हम एक्टिविटी की बात करें UML में, तो एक्टिविटी जो है वो नॉन एटॉमिक टास्क है। क्यों? क्योंकि एक एक्टिविटी में डिफरेंट एक्शंस होते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम एक्शन की बात करें तो एक्शन इज़ एटॉमिक, क्योंकि एक्शन जो है वो डिफरेंट पार्ट्स में नहीं होता है, एक्शन एक ही एक्शन होता है, ठीक है। अब हम फर्दर बात करते हैं इसी में, एक्टिविटी डायग्राम जो है बेसिकली एक्टिविटी ग्राफ होता है। कोई भी अगर हम सॉफ्टवेयर में बात करें तो यूज़ केस, अगर हम एक यूज़ केस लेते हैं तो उसकी एक्टिविटी को डिस्क्राइब करने के लिए एक यूज़ केस को हम उसकी एक UML एक्टिविटी डायग्राम बना देंगे। तो उसी में एक एक्टिविटी ग्राफ में डिफरेंट हमारे पास नोड्स होती हैं। अगर आपको ग्राफ के बेसिक्स पता हो तो ग्राफ्स में हमारे पास नोड्स होती हैं और एजेस होते हैं। तो इसी तरह सिमिलरली हमारे पास एक्टिविटी डायग्राम में भी जो एक्शंस हो गए या ऑब्जेक्ट्स हो गए वो हमारे पास एक्टिविटी नोड्स होते हैं, और एक्टिविटी एजेस यानी जो हमारे लिए डिफरेंट नोड्स जो ट्रांसफ़र करते हैं फ्लो के लिए यूज़ होते हैं उनको हम एज कहते हैं, एक्टिविटी एज, ठीक है। तो एक्शन नोड जो है वो एक राउंडेड रेक्टेंगल के फॉर्म में हम उसको डिस्प्ले करते हैं, उसके अंदर हम एक्शन का नाम लिखते हैं या एक्टिविटी का नाम लिखते हैं। और अगर हम एक्टिविटी एच की बात करें तो उसको हम एक सॉलिड एरो से डोनेट करते हैं विद एन अनफिल्ड एरो हेड, ठीक है। मैं आपको फर्दर इसकी एग्जाम्पल शो कराती हूँ, आपको ज़्यादा अच्छा समझ आएगा। ये एक स्मॉल एग्जाम्पल है जिसमें आपको डिफरेंट एक्शन नोड्स और एक्टिविटी एजेस नज़र आ रहे हैं, ठीक है। इसमें अगर मैं आपको बताऊं तो इसमें जो सॉर्ट, ये एक सिंपल एग्जांपल है हमारे पास वॉशिंग मशीन की, ठीक है। एक वॉशिंग मशीन के यूज़ केस के हमने एक एक्टिविटी डायग्राम बनाई है कि वो किस तरह से एक वॉशिंग मशीन कपड़ों को करती है। सबसे पहले उस सॉर्ट क्लॉथ की है, फिर हमने उसके बाद एक्टिविटी की वॉश वाइट्स और वॉश डार्क्स, यानी सफ़ेद और जो काले कपड़े थे वो हमने उसमें डाल दिए, और आफ्टर मतलब धुलने के बाद हमने उनको ड्राई कर लिया। तो ये मतलब हमारे डिफरेंट एक्शंस थे, यानी कपड़े धुलना, उनको सॉर्ट करना, ड्राई करना, ये एक्शंस थे। और ये जो हमारे पास एरो हेड आ रहे हैं ये हमारे पास एक्टिविटी एजेस हैं, ठीक है, यानी कंट्रोल फ्लो कह लें आप। अब एक्टिविटी डायग्राम में हमारे पास डिफरेंट नोटेशंस होती हैं, ठीक है। उसमें हमारे पास इनिशियल नोड होती है, फाइनल नोड होती है, फ्लो फाइनल नोड भी होती है, डिफरेंट एजेस होते हैं, ब्रांचिंग भी होती है। इसको हम आगे थोड़ा फर्दर देखेंगे ये एग्जैक्ट क्या होते हैं। अभी हमने पीछे जो देखे वो हमारे पास एक्टिविटीज़ थी यानी एक्शंस। तो अब हम देखते हैं इस एग्जांपल से, इस एग्जांपल में आप देख सकते हैं कि ये जो आपको नज़र आ रहा है डार्क फिल्ड सर्कल, इसको हम इनिशियल नोड कहते हैं। इनिशियल नोड मतलब स्टार्टिंग नोड, यानी जहाँ से हमारी एक्टिविटी स्टार्ट होगी, ठीक है, तो उसको हम इनिशियल नोड कहते हैं। यहाँ से हमारी एक्टिविटी स्टार्ट हुई, ये फिर हमारी कंट्रोल फ्लो आया स्टार्ट होने के बाद किस पर, सॉर्ट क्लोज पर, ठीक है। ये हमारी इसमें एक्शन आया, और फिर डिफरेंट हमारे सिमिलरली हमारे और एक्शंस लगे, वॉश वाइट्स, वॉश डार्क एंड देन ड्राई। अब हमारी ड्राई करने के बाद
एक्टिविटी एंड नहीं हो गई, बल्कि एक और उसमें एक्शन ऐड हो गया, विच इज़ टू फोल्ड क्लॉथ। ठीक है, फोल्ड करने के बाद आप ये देख सकते हैं यहाँ पे एक ब्लैक सर्कल है, उसके आगे एक और वाइट सर्कल है, इसको हम फाइनल नोड कहते हैं। फाइनल नोड मतलब एंडिंग नोड, यानी यहाँ पे हमारी एक्टिविटी एंड हो गई है। ठीक है, तो ये एक लॉन्ड्री प्रोसेस था ओवरऑल, जिसको हमने एक्टिविटी डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन किया है। ठीक है, आई होप आपको समझ आई हो कि शुरू में मैंने आपको प्रोसेस का क्यों बताया था, क्योंकि प्रोसेस को जो है यूएमएल एक्टिविटी डायग्राम, यूएमएल ने बेसिकली प्रोसेस को डिफाइन करने के लिए एक्टिविटी डायग्राम दी है, जिसको हम इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। अब हम फर्दर चलते हैं ब्रांचिंग पे। ठीक है, अब अगर हम एक ब्रांचिंग की बात करें, तो ब्रांचिंग हमारे पास बुलियन बेस्ड वैल्यूज़ होती हैं। बुलियन बेस्ड आपको पता है कि आइदर, अगर नहीं पता तो मैं बता देती हूँ, आइदर ट्रू और फॉल्स, यानी इसमें सिर्फ हम बस दो वैल्यूज़ होती हैं, येस और नो, ट्रू और फॉल्स। ठीक है, बुलियन एक्सप्रेशन जो है बेसिकली हमारे स्क्वायर ब्रैकेट्स में हम लिखते हैं, ये हम लोग यूज़ करते हैं ब्रांचिंग, यानी जो एक्टिविटी एजेस हैं उनकी नोड्स से जो हमारी निकलती है एक्टिविटी एजेस, उन पे हम यूज़ करते हैं। इनको हम कहते हैं गार्ड, गार्ड भी कहते हैं, कंस्ट्रेंट भी कहते हैं, कंडीशन भी कहते हैं, मतलब ऐसी कंडीशन जो फुलफ़िल होना ज़रूरी है एक एक्शन से दूसरे एक्शन तक जाने के लिए। अगर वो गार्ड या कंडीशन या कंस्ट्रेंट फुलफ़िल नहीं होगा, तो हम एक एक्शन से दूसरे एक्शन तक नहीं जाएंगे, हमारी जो एक्शन है वो वहीं पर स्टॉप रहेगा जब तक वो गार्ड फुलफ़िल नहीं हो जाता है। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल हमने एक से लॉगिन से हमने जाना होता है आगे तक, तो हमें हमारे लिए लॉगिन करने के लिए ज़रूरी है कि हम अपना यूज़र नेम और पासवर्ड एंटर करें। अगर हम वो नहीं एंटर करेंगे और अगर वो सही नहीं होंगे तो लॉगिन नहीं होगा। तो ये जो कंडीशंस हैं इनको हम गार्ड और कंस्ट्रेंट कहते हैं। ठीक है, यूएमएल जो है, अगर हम एक्वी डायग्राम की बात करें, वैसे भी उन्होंने स्पेसिफाई नहीं किया कि आप यूएमएल में, आप ज़रूरी नहीं है कि आप उसको स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर कंडीशन लिखें, आप उसमें एल्स करके भी उसको मैप कर सकते हैं। ठीक है, कंट्रोल फ्लोज के ऊपर या ब्रांच पॉइंट के ऊपर। ठीक है, तो ये इसी तरह ब्रांचिंग में हमारे पास इसको जो हम बेसिकली जो ब्रांचिंग होती है, अभी हमने देखा सिंपल कंट्रोल फ्लो देखे थे हमने, कि एक कंडीशन एक एक्शन से दूसरे एक्शन तक एक सिंपल एरो हेड आ रहा था, बीच में कोई कंडीशन इस तरह की अप्लाई नहीं हो रही थी। ठीक है, तो हमारे पास यूएमएल एक्टिविटी डायग्राम में दो किस्म के, जो आप कह सकते हैं कि ब्रांचिंग है। ठीक है, फ्लो ब्रांचिंग कहते हैं इनको। पहली ब्रांचिंग है डिसीजन नोड। डिसीजन नोड को और जो है हम डायमंड शेप से डोनेट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, मैं आपको एग्जांपल समझाऊंगी भी। डिसीजन नोड में इस फर्क ये है कि इसकी इनकमिंग हमारे पास एक ही होती है, एक ही एज होगा, एक्टिविटी एज, लेकिन इससे जो लीविंग एज होते हैं वो सेवरल हो सकते हैं, और लेकिन उन पर गार्ड इनेबल्ड होता है। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको एग्ज़ाम्पल देती हूँ कि लॉगिन की ही कंडीशन ले लें, अब उसमें हमारे पास डिसीजन लग गई है। ठीक है, अगर लॉगिन लॉगिन हो गया है, यस, इफ़ लॉगिन यस हो गया है तो लॉगिन कर दें सक्सेसफुली, अगर नहीं हुआ है तो उसको दोबारा से लॉगिन के रीट्राई वाले पेज पे ले जाएं। ठीक है, ये एक सिंपल एग्जांपल है जो आई थिंक हम सब ने वेब में ज़रूर पढ़ी होगी। तो इस तरह की चीज़ें पे जो है डिसीजन नोड लगता है। ठीक है, इसी तरह सिमिलरली हमारे पास डायमंड शेप में ही एक नोड कहलाती है मर्ज नोड। ठीक है, मर्ज नोड और डिसीजन नोड में फ़र्क ये है कि मर्ज नोड की इनकमिंग मल्टीपल होती हैं लेकिन आउटगोइंग एक होती है। मर्ज जैसा वर्ड से ही पता चल रहा है कि डिफरेंट जो फ्लोज आ रहे होते हैं डिफरेंट एक्शन से, उनका आउटकम एक होगा, तो उसमें हम मर्ज नोड यूज़ करेंगे। ठीक है, और मतलब ये एग्जांपल आप देख सकते हैं ड्राइंग क्लोज की, मैं आपको एग्जांपल दिखाती हूँ। यहाँ पे इनिशियल नोड आई, अब मैं आपको बताती हूँ यहाँ पे हमने मर्ज नोड क्यों यूज़ किया, और ये मर्ज नोड है या डिसीजन नोड, ये भी आप देख लें। अभी आप अगर इसको ना भी कंसिडर करें, फॉर एग्ज़ाम्पल आप सिर्फ सीधा यहाँ से यहाँ अभी ले आएँ, क्योंकि आपको शायद नहीं समझ आए, तो हमने पहले क्या किया, रन ड्रायर, यानी ड्रायर को रन किया। रन करने के बाद अब हमने कंडीशन नोड लगाई, अब हमें ये देखना था कि ड्राई करने के बाद क्या कपड़े अभी तक वेट हैं, सूख गए हैं या नहीं। ठीक है, तो अब हमने यहाँ पे कंडीशन नोड लगाए, अगर तो वो सूख गए हैं यानी एल्स, एल्स हमने लगा दिया, तो उनको फोल्ड कर दें, लेकिन अगर वो स्टिल वेट है तो आप क्या करेंगे, आप फिर से ड्रायर चलाएंगे ऑब्वियसली। तो हम क्या करेंगे कि हमने यहाँ पे फिर से यहाँ पे जो उसका एक्टिविटी एज थी वो हमने वापस लेके गए, यहाँ पे कंट्रोल फ्लो वापस दिया रन ड्रायर को, तो
तो इसको इंस्टेड ऑफ यहाँ एरो लाने की बजाय ये ऐसे भी हो सकता था कि यहाँ से आप डायरेक्ट एरो इधर ले आए और इस एरो को जो है आप इस पे मैप कर दें। लेकिन UML लकवी डायग्राम में हम इस तरह की यूज़ करने के लिए हम मर्ज नोड यूज़ करते हैं। आई होप आपको मर्ज नोड और डिसीजन नोड में जो फ़र्क है वो क्लियर हो गया हो। हम फर्दर और भी एग्जांपल्स देखेंगे तो आया आपको अच्छी समझ आ जाएगी। अब हम बात करते हैं फोर्क और जॉइन। ये तो हमने देख लिए थे मर्ज और डिसीजन नोड। फोर्क और जॉइन भी हैं उसी के टाइप, लेकिन उनसे थोड़ा डिफरेंट है। वो क्यों? क्योंकि UML एक्टिविटी डायग्राम में हमारे, जैसे आपने और भी देखा होगा, एक प्रोसेस जो है वो सीक्वेंस में चलता आ रहा होता है। ठीक है कि ये इसका सीक्वेंस है, अगर येस हो तो इधर चला जाए, नो है तो इधर चला जाए। लेकिन ज़रूरी तो नहीं है कि हमारी एक्शंस या कोई भी एक्टिविटी है वो सीक्वेंस में परफॉर्म हो। कुछ एक्टिविटीज़ होती हैं जो पैरेलल यानी कंकरेंट परफॉर्म हो रही होती है, यानी एक साथ दो एक्टिविटीज़ परफॉर्म हो रही हैं, तो वहाँ पे हमारा फोर्क काम आता है। ठीक है, फोर्क नोड जो है एज अ फोर्क, जो आपको समझ भी आ रही होगी, इनकमिंग एक होती है लेकिन आउटगोइंग मल्टीपल होते हैं। यानी आप एक कोई इनकमिंग आया है, यानी फॉर एग्जांपल हमारे पास अभी हम आगे एग्जांपल भी देखेंगे। जैसे हमने पिछले ड्राई क्लोथ्स उसकी वॉशिंग मशीन की देखी थी, कि वॉशिंग मशीन में हमारे पास एट अ टाइम वाइट भी धुल रहे थे और डार्क क्लॉथ भी धुल रहे थे। ठीक है, तो इसको यहाँ पे अब हम फोर्क यूज़ करेंगे, यानी मल्टीपल यानी कंकरेंट यानी पैरेलल में दो एक्टिविटीज़ एक साथ परफॉर्म हो रही थी, तो उसके लिए हम फोर्क नोड यूज़ करेंगे। ठीक है, इसकी ज़रा थोड़ी सी थिक लाइन होती है। और सिमिलरली अब हम जॉइन नोड की बात करें, तो जॉइन नोड में हमारे पास मल्टीपल एजेस एंटर होते हैं लेकिन लीव एक होता है। सिमिलरली अगर हम मर्ज के, मतलब मर्ज के हिसाब से बात करें, तो हम जॉइन नोड को हम फोर्क के लिए ही यूज़ करते हैं, कि फोर्क से हमारे पास इनकमिंग आ रही होती है लेकिन उन सब का आउटकम एक था, जैसे वॉश और डार्क और वाइट क्लॉथ के एंड पे हमने उनको फोल्ड करना था। ठीक है, तो उनका आउटकम एक ही था, तो वहाँ पे हम इसके लिए हम जॉइन नोड यूज़ कर सकेंगे। इसका मतलब ये है कि जो भी कंडीशंस हमारी उस पर लगी हुई हैं, जो भी दोनों पर टोकन्स आ रहे हैं, वॉश वाइट पे और डार्क पे, वो हमारे फुलफिल होगा जो भी एक आउटकम आ रहा है। ठीक है, तो ये हमारी जॉइन नोड बेसिकली कंकरेंट वही थ्रेड को एग्जीक्यूट करने के लिए यूज़ होती है। अब ये एग्जांपल आगे जो मैंने आपको साथ साथ समझाई भी है, जैसे शॉर्ट क्लॉथ, फिर अब यहाँ ये जो हमने लगाया है इसको हम लोग कहते हैं फोर्क नोड। ठीक है, यानी इनकमिंग एक आउटगोइंग दो, यानी अब ये दोनों जो हैं ये पैरेलल में एग्जीक्यूट हो रहे हैं और इनका आउटगोइंग यानी जो आउटकम है वो एक ही है, विच इज़ टू ड्राई क्लॉथ। अब दोनों वॉश होने के बाद ड्राई हो गए एंड देन फोल्ड, एंड यहाँ पे हमारी एक्टिविटी एंड हो गई। तो ये हमारा प्रोसेस था फोर्क और जॉइंट्स के साथ। ठीक है, पीछे हमने यही प्रोसेस जो है हमने सिंपल भी देखा है। तो आप इसमें अगर हम लोग फोर्क और जॉइन यूज़ कर लें तो वो ज़्यादा बेहतर है एज़ कम्पेयर टू कि पिछले वाले में हमें समझ नहीं आ रही थी कि ये पहले इधर जाएगा कि उधर जाएगा किधर, लेकिन अब हमें समझ आ रहा है कि ये दोनों टास्क कंकरेंट में यानी पैरेलल में परफॉर्म हो रहे हैं। ठीक है, अगर आप ग्राफ वाइज भी देखें तो उसमें कन्फ्यूजन होती, लेकिन अब फोर्क और जॉइन नोड के साथ हमें इसमें ज़्यादा क्लैरिटी हो गई है। अब हम बात करते हैं फ्लो फाइनल नोड की। फ्लो फाइनल नोड ऐसी नोड है जो हम जब यूज़ करते हैं जब एक्टिविटी के दरमियान में ही कोई ऐसी प्रॉब्लम या कोई ऐसा सोल्यूशन आ जाए जो हमें उस एक्टिविटी से नहीं कहीं बाहर से मिला है। ठीक है, तो हम वहीं पे उसकी सारी एग्जीक्यूशन, उस स्पेसिफिक जो भी हम एक्शन परफॉर्म कर रहे थे उस स्पेसिफिक एक्शन पे जो कुछ भी हो रहा था हम उसको स्टॉप कर देते हैं। उसकी सारी एक्टिविटी को जो भी एग्जीक्यूट हो रही होती है वो वहीं पे स्टॉप हो जाती है और हम वहाँ पे हम फ्लो फाइनल नोड यूज़ करते हैं। ठीक है, मतलब इसका पर्पज़ ये होता है, इसको हम डोनेट करने के लिए हम एक सर्कल एक्स की नोटेशन यूज़ करते हैं। इसमें ये है कि अगर हम इसकी बात करें तो इनकमिंग एक या उससे ज़्यादा हो सकते हैं लेकिन इसका आउटगोइंग कोई नहीं होता। सिमिलरली अगर हम उसकी बात करें फाइनल नोड की, ये उससे थोड़ी डिफरेंट है क्योंकि फाइनल नोड पे पूरी पूरे जो आपकी एक्टिविटी है वो एंड होती है, लेकिन फ्लो फाइनल नोड पे एक सर्टेन फ्लो आपका एंड होता है। आपको नाम से भी थोड़ा समझ आ गया होगा। तो इसी तरह जो भी, मतलब टोकन हमारे एंटरिंग एज पे यानी जो भी उससे आ रहे होते हैं, वो जो भी उस पर डाटा या कोई भी कंट्रोल उसमें आ रहा होता है वो सभी कंज्यूम कर लेते हैं, वो वहीं पर एंड हो जाता है।
ठीक है। स्लो फाइनल नोड जो है वो ज़्यादातर हमारी कंकरेंट प्रॉब्लम सॉल्विंग में यूज़ होती है। अगर उसमें कोई सोल्यूशन है जो फेल हो जाए ना ढूंढ सके, तो उसके लिए हम इसको यूज़ करते हैं। अभी हम देख से इस एग्जांपल से देखेंगे। इसमें हम कंकरेंट प्रॉब्लम सॉल्यूशन को देख रहे हैं कि सबसे पहले हमारी स्टार्ट हुई एक्टिविटी, देन हमने देखा कि प्रॉब्लम आई है हमारे पास, हमने उसको पोस्ट किया, ये हमारा एक्शन था, ठीक है। अब हमने वहाँ पे मल्टीपल में दो टैक्टिक्स थे हमारे पास, ए और बी, तो हमने दोनों को फोर्क लगा के हमने मल्टीपल उनको चलाया। जब एक्टिविटी रन हुई तो हमने देखा कि हमने टैक्टिक ए अप्लाई किया, अभी तक हमें कोई सोल्यूशन नहीं मिला, डिसीजन नोट अगेन नो सोल्यूशन येट, तो वो वापस चला गया, ठीक है। अगर ये गार्ड फुलफिल हो रहा है तो वो यहाँ आ जाएगा, सोल्यूशन मिल गया है तो वो पोस्ट सोल्यूशन कर देगा सिमिलरली दोनों में करके और सेलेक्ट सोल्यूशन करके एक्टिविटी एंड। लेकिन अगर सोल्यूशन हमें कहीं और मिल गया है इस एक्टिविटी से, तो हम इस फ्लो को यहीं पे एंड कर देंगे, ठीक है। यानी पूरी एक्टिविटी हमने यहाँ स्टॉप नहीं की है, मतलब मैं आपको इसका सिनेरियो ऐसे दे सकती हूँ कि जब हमने ए टैक्टिक ए अप्लाई किया तो हमें इससे नहीं मिला, लेकिन हमें कहीं और से मिल गया, तो हम ये यहाँ पे इसको इस एक्टिविटी को स्टॉप कर देंगे, लेकिन यहाँ से हमें सोल्यूशन मिल गया है तो हम इस वाली एक्टिविटी को हम कंटिन्यू रखेंगे, ठीक है। तो इस तरह के अगर हमारी कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो उनमें हम ये फाइनल फ्लो फाइनल नोड यूज़ करेंगे, जब किसी एक फ्लो को हमने स्टॉप करना हो, उसकी एग्जीक्यूशन को स्टॉप करना हो। अब हम बात करते हैं डाटा फ्लो पे। अगर हम एक्टिविटी डायग्राम की बात करें तो ज़रूरी नहीं कि उससे सिर्फ एक फ़्लो ही हमारा मतलब फ्लो हो, कंट्रोल फ्लो ही हो रहा हो, डाटा भी फ्लो होता है डिफरेंट एक्शंस के दरमियान, डिफरेंट एक्टिविटीज़ में डाटा भी फ्लो होता है, तो उसको हम डाटा फ्लो कहते हैं, ठीक है। उसके लिए जो स्पेसिफिक वर्ड ह्यूमन एक्टिविटी डायग्राम में यूज़ किया जाता है उसको हम कहते हैं ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। ऑब्जेक्ट जो है वो एक रेक्टेंगल में हम उसको डिस्प्ले करते हैं, और उसके ऑब्जेक्ट के अंदर डाटा का जो भी हमारे पास डाटा आया है उसका नेम होता है, और उसके अलावा हम आप इट्स योर चॉइस कि हम उस डाटा की स्टेट भी बता दें कि उस डाटा की क्या स्टेट है, ठीक है। ये एक एग्जांपल है, इनको हम ऑब्जेक्ट्स नोट कहते हैं बेसिकली। अब ये क्रूज़र जो है हमारे पास डाटा है, यानी जो भी एक्टिविटी चल रही थी उसमें क्रूज़र हमारे पास डाटा था, इसी तरह बैटल ग्रुप डाटा था, और ये तो खाली डाटा नेम थे। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि बैटल शिप हमारे पास डाटा आया, लेकिन उसका स्टेटस क्या है, डैमेज्ड, तो उसको हमने इस तरह स्क्वायर ब्रैकेट्स में हमने उसको शो कर दिया। सिमिलरली डिस्ट्रॉयर हमारे पास एक डाटा ऑब्जेक्ट आया और उसका स्टेटस था कैप्चर, तो इस तरह अभी हम फर्दर एग्जाम्पल भी देखेंगे तो आपको शायद फर्दर समझ आ जाएगी। ये एक स्मॉल एग्जाम्पल थी ऑब्जेक्ट नोट्स की। अब हम बात करते हैं अगर हम कंट्रोल फ्लो डाटा फ्लो में डिफ्रेंशिएट करें, तो कंट्रोल फ्लो हमारी पूरी एक्टिविटी डायग्राम में यूज़ होता है, ठीक है। अगर हम उसकी स्टार्टिंग पॉइंट की बात करें तो एक्शन नोड से मतलब बिगेन करते हैं हम एक्शन या इनिशियल नोड यानी स्टार्टिंग नोड से, और फाइनल नोड तक हमारा ओवरऑल कंट्रोल फ्लो होता है, ठीक है। जो भी डिसीजन कोई मतलब कोई भी अगर एज लीविंग डिसीजन मर्ज फॉर ज्वाइन या उनके इनकमिंग भी सब पे जो है हमारे कंट्रोल फ्लो होते हैं। अगर हम डाटा फ्लो की बात करें तो डाटा फ्लो के लिए डाटा फ्लो भी होता है डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के दरमियान, लेकिन उसके लिए ज़रूरी ये है कि उसमें जो ऑब्जेक्ट नोड है अगर वो उनके एक दो एक्शंस के दरमियान में ऑब्जेक्ट नोड लगा होगा तभी उनके दरमियान में डाटा नोड सॉरी डाटा फ्लो होगा, अदरवाइज वो सिंपल कंट्रोल फ्लो होगा, जो जिस तरह की पिछली हमने एग्जाम्पल्स देखे हैं जिसमें सिंपल कंट्रोल फ्लो हो रहा था, देयर वॉज नो डाटा फ्लो एट ऑल, ठीक है। तो अब हम देखते हैं इसमें एग्जाम्पल में, ये हमारे पास है वॉश एंड ड्राई क्लोथ्स की एग्जाम्पल। सबसे पहले हमने स्टार्ट किया वॉश क्लोथ से, अब जब हमने वॉश क्लोथ किया तो हमारे पास डाटा क्या था इसमें, क्लोथ, यानी एक एंटिटी क्या थी डाटा की, क्या थी हमारे पास, क्लोथ्स की। अब यहाँ पे सिर्फ क्लोथ डाटा का नाम नहीं बल्कि उसका स्टेटस भी, अभी शुरू में वॉश हो रहे हैं तो उसका स्टेटस क्या है, वेट। अब हमने ड्रायर रन करना था, ड्रायर रन किया, फिर से ड्रायर पर जो रन किया हमने, रन ड्रायर में हमारे पास जो डाटा आया वो क्या था, क्लोथ, अगेन क्लोथ ही है, जाहिर बात है थ्रू आउट द प्रोसेस अभी हमारे पास क्लोथ्स ही डाटा चल रहा है हमारा, ठीक है। तो हमने देखा कि क्लोथ्स आर स्टिल वेट, तो फिर से ड्रायर रन कर दिया एज फॉर क्लोथ एंड एक्टिविटी एंड। तो आई होप आपको क्लियर हो गया हो ऑब्जेक्ट्स नोट्स को लेकर भी। तो अब हम फर्दर बात करते हैं व्हेन टू यूज़ एक्टिविटी डायग्राम, ठीक है।
एक्टिविटी डायग्राम बेसिकली एक प्रोसेस को डिफाइन करती है, जो भी हम प्रोसेस कर रहे होते हैं उसके लिए, हम मॉडल करने के लिए किसी भी डायनेमिक प्रोसेस को मॉडल के शेप में करने के लिए हम UML एक्टिविटी डायग्राम यूज़ करते हैं। ठीक है, अगर हम एक प्रोसेस की बात करें तो वो थ्रू आउट द जो भी हमारा प्रोसेस होता है सॉफ्टवेयर एक प्रोडक्ट को बनाने का, शुरू से रिक्वायरमेंट्स एंड देन एंडिंग टिल द टेस्टिंग, थ्रू आउट द प्रोसेस हम लोग UML एक्टिविटी डायग्राम को यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये लो लेवल पर भी यूज़ हो सकती है। यानी स्टार्टिंग में जो ही आपके पास रिक्वायरमेंट्स आते हैं तो आप एक फ़्लो को या यूज़ केस को प्रोसेस को शो कराने के लिए, हम लोग मॉडल करने के लिए हम एक्टिविटी डायग्राम यूज़ कर सकते हैं, जो कि आगे फर्दर भी यूज़ हो सकती है, हमारी कोडिंग में भी हेल्प कर सकती है। इवन हम लोग अगर कोडिंग के फ़्लो को भी दिखाना हो तो फर्दर तो उसके लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं। अगर किसी भी प्रोसेस को डिफाइन करने के लिए, मॉडल करने के लिए हम UML एक्टिविटी डायग्राम को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसीलिए एक्टिविटी डायग्राम बहुत यूज़फुल है, क्योंकि ये थ्रू आउट द सॉफ्टवेयर डिज़ाइन का जो एक प्रोसेस है उसमें हम इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब हम एग्जांपल्स पर आते हैं। UML एक्टिविटी डायग्राम जो है वो डिफरेंट हम उस पर यूज़ कर सकते हैं, तो मैं आपको दो एग्जांपल्स दिखाऊंगी, एक प्रोडक्ट डिज़ाइन एनालिसिस की और एक एल्गोरिदम की, जो लो लेवल डिज़ाइन पे हम यूज़ करते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास है एक्वालश वर्सेस कन्वेंशनल इरीगेशन सिस्टम की एक एग्जाम्पल है। एक्वालश ने बेसिकली दिखाना था कि उनका इरीगेशन सिस्टम इज़ बेटर देन कन्वेंशनल इरीगेशन सिस्टम, क्योंकि उनका एक टाइमर बेस्ड इरीगेशन सिस्टम है। ठीक है, अगर आप देख रहे हैं कि एक्वालश में भी आपको इतना अच्छा समझना है, क्योंकि कोडिंग के लिहाज से अगर देखा जाए तो वहाँ से हमें ज़्यादा अच्छा यूसेज समझ आता है, विच इज़ द नेक्स्ट एग्जांपल। तो इसमें हमने देखा कि उन्होंने सिर्फ सेट इरीगेशन जो थे पैरामीटर्स को सेट कर दिए एंड देन एक्टिविटी एंड हो गई। ठीक है, लेकिन यहाँ पे टाइमर बेस्ड इरीगेशन था तो पैरामीटर सेट किए, उनकी सॉइल की कंडीशन को भी चेक किया, अगर नहीं सही तो दोबारा किया, टू वेट और ड्राई है तो मतलब अगर सही है तो फिर दोबारा से मॉनिटर कर रहे हैं जब तक, क्योंकि टाइमर बेस्ड ना टाइम टाइम के हिसाब से चलेंगे, तो देयरफॉर इसमें कोई फाइनल लोड नहीं है। ठीक है, इस वजह से इसमें फाइनल लोड नहीं है, अगर टू वेट और ड्राई है तो दोबारा से मॉडिफाई पैरामीटर्स किए, देन अगेन मॉनिटर किया कि अब सही है कि नहीं है, अनटिल एंड अनलेस हमारे पास टाइम जो है वो ख़त्म नहीं हो जाता। ठीक है, तो इस वजह से उन्होंने शो किया कि एक्वालश में ऐसी कोई कंडीशन नहीं है, बस इरीगेशन के पैरामीटर सेट किए और यहाँ हम इनका जो एक प्रोसेस है वो एंड हो गया, तो इसलिए उनका इरीगेशन सिस्टम ज़्यादा अच्छा है कन्वेंशनल इरीगेशन सिस्टम से। ठीक है, अब हम फर्दर एग्जांपल मैं आपको दिखाती हूँ एक मैक्सिमम फाइंडिंग एल्गोरिदम की। मैक्सिमम फाइंडिंग एल्गोरिदम का जो हम बेसिकली लेते हैं कि किसी भी एरे में एक मैक्सिमम नंबर फाइंड करना, उसका हम देखेंगे कि उसको हम एक्टिविटी डायग्राम में किस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक एरे ले लेते हैं, यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं सर जस्ट 3 की ले रही हूँ, लाइक 1, 2 एंड 1, बैड राइटिंग के लिए सॉरी। तो ये हमने ले ली एक एरे 1 to 1 की एरे ले ली, यानी 3 की। तो मैक्स हमने शुरू में इनिशियलाइज़ करा दिया कि मैक्स एक वेरिएबल है इंटीजर टाइप का। तो एक्टिविटी जब स्टार्ट हुई तो ये हमारा वेरिएबल था ए। ठीक है, तो हमने क्या किया कि मैक्स को जो भी ए के 0 पर पड़ा था, यानी एरो के पहले वाले, यानी आपको पता है कि एरो में 0, 1 एंड 2 होता है, तो जो भी 0 पर पड़ा था हमने उसको मैक्स के इक्वल कर दिया बाय डिफ़ॉल्ट एट द स्टार्ट। ठीक है, यानी अब हमने देखा कि ये जो आपको मैक्स वेरिएबल नज़र आ रहा है ये हमारा आउटकम है, यानी जो हमारा डाटा आ रहा है। ठीक है, ऑब्जेक्ट्स नोड आपको याद होंगे, यानी कि जो ऑब्जेक्ट नोड हमारे पास सबसे पहला जो डाटा है वो ए था और आउटकम हमारा क्या है, यानी मैक्स। मैक्स वेरिएबल में जो भी सेट होगा वो हमारा आउटकम होगा। ठीक है, यानी डाटा नोड्स इसमें आपको जो है ट्राइंगल में नज़र आ रहे हैं। तो अब हम फर्दर चलते हैं, हमने फिर एक लूप चलाए। लूप में हमने देखा कि आई की वैल्यू हमने पहले जो हम फॉर लूप चलाते हैं उसमें हम इंटीजर आई की एक वैल्यू सेट करते हैं, वो हमने सेट कर दी 1 के इक्वल। ठीक है, अब हमारी लूप चली, अब यहाँ पे हमारी जो थी मर्ज नोड लगी, फिर हमने कंडीशन नोड चेक किया आगे। हम कंडीशन क्या थी, हमने चेक करना था यहाँ पे जो ये बेसिकली ये कंडीशन यहाँ पर ट्रू हो गई है। कंडीशन हमारी यहाँ पर ये थी कि अगर आई जो है वो लेस है ए डॉट लेंथ के, ए डॉट लेंथ क्या है हमारी 3, यानी 3 इसमें हमारे एरे की लेंथ 3 है ना,
हमने देखा आई क्या है हमारे पास, वन, तो ऑब्वियसली वन इज़ लेस देन थ्री, तो ट्रू हो गया। अभी एल्स की नहीं चली तो ये वाली हमारे पास चल गई। अब हम अगली कंडीशन में चेक करनी थी कि क्या मैक्स में जो वैल्यू पड़ी है वो ए डॉट आई से छोटी है। हमने देखा कि येस ऑब्वियसली वन इज़ लेस देन टू, तो हमारी ये कंडीशन ट्रू हो गई। तो जब ये ट्रू हो गई तो मैक्स किसके इक्वल हो गया, टू के, ठीक है। अब यहाँ पे ये जाके इसी तरह हमारा जो है डाटा सेट हो गया, यानी मैक्स अब हमारा चेंज हो गया ना, विच इज़ टू। फिर वो नीचे आया दोबारा से और ये मर्ज नोड है हमारे पास, जब ये आई तो आई क्या हो गया, प्लस प्लस, ठीक है। अब हम फिर से ऊपर गए, आई अब क्या हो गया हमारे पास, टू। हम यहाँ पे आए, मर्ज किया, दोबारा से चेक किया कि क्या आई से छोटा है, ऑब्वियसली टू इज़ लेस देन थ्री, तो एल्स की कंडीशन अभी भी नहीं चली। हम यहाँ आए, हमने चेक किया कि क्या मैक्स ए डॉट आई में जो भी पड़ा है उससे छोटा है, हमने कहा यस छोटा नहीं है, सॉरी छोटा नहीं है, तो हमने ये वाली कंडीशन अब क्या हो गई, फॉल्स, ठीक है। अब क्या चलेगा हमारे पास, एल्स, एल्स चला, यहाँ पे मर्ज हुआ, आई प्लस प्लस हुआ, अगेन भी हम यहाँ पे आए, लूप आई, यहाँ पे उसने चेक किया कि क्या आई डॉट ए लेंथ से छोटी है, नहीं, थ्री इज़ नॉट लेस देन थ्री, ऑब्वियसली वो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। तो यहाँ पे एल्स आके हमारे पास क्या हो गया, एक्टिविटी एंड हो गई, और एंड पे हमारे पास जो डाटा में था मैक्स, जो हमारा आउटकम आया आ रहा था यहाँ से, वो क्या आ गया अब हमारे पास, टू। इस तरह हमने एक मैक्सिमम फाइंडिंग एल्गोरिदम को जो है एक्टिविटी यूएमएल एक्टिविटी डायग्राम के थ्रू हमने उसको मॉडल कर लिया, ठीक है। तो यही बिफोर गोइंग इनटू कोडिंग, अगर हम इस एक्टिविटी डायग्राम को भी देखें तो हमें अच्छी तरह एक फ्लो यानी प्रोसेस का समझ आ रहा है कि किस तरह हम कोड में अपने एक कोड को हम लेके चलेंगे, उसका फ्लो क्या होगा। तो इसी तरह हम डिफरेंट पर्पस के लिए यूएमएल एक्टिविटी डायग्राम को यूज़ कर सकते हैं। तो आई होप आपको जो भी मैंने आपको समझाया है यूएमएल एक्टिविटी डायग्राम के बारे में आपको समझ आई हो। अगर आपको कोई सजेशन देनी हो, कुछ और समझना है, तो आप कॉमेंट्स में ज़रूर बताइए। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड कॉमेंट, और अपना ख्याल रखिए। तब तक मिलते हैं अगली वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।